हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी की ऐसी शानदार रेसिपी जिसे आप बनाना ज़रूर पसंद करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस भिंडी का स्वाद तो इतना लाजवाब है कि सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन ले लेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब ये भिंडी मैंने धो करके अच्छे से सुखा ली थी और इनको लंबाई में इनको आधा आधा कर लिया है। जो बड़ी भिंडी थी उनके 4 पार्ट कर लिए हैं। इस तरह से मैंने काट लिए भिंडी को और इस तरह से छन्नी में हम डाल करके ये मसाला कोट करेंगे। छन्नी में डालने की एक वजह ये है कि ये मसाला जो है इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाता है। इस तरीके से हम छानते जाएंगे और इसको हाथ से कोट करते जाएंगे इस तरीके से। चम्मच से अगर नहीं छनता है छन्नी से तो थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे तो मसाला निकल जाएगा। इस तरीके से हाथों से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे भिंडी को। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी आपकी। इस तरीके से हम कोट कर लेंगे भिंडी को। गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने ये सरसों का तेल लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में स्ट्रांग फ्लेवर होती है इसलिए हमें इसे अच्छे से गर्म करना होता है। अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें कोट की हुई भिंडी डाल देंगे और इसको हम तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे तेल के साथ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको ऐसे ही पहले फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है। जब ये मसाला और बेसन भिंडी का पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेंगे फिर हम इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से पका लेंगे। भिंडी को हमें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही हमें पकाना है इसको। अब हम गैस को बंद कर देंगे। भिंडी को हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम फिर से वही पैन रखेंगे, फिर उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। ये सरसों का ही तेल फिर से मैंने लिया है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है इसलिए मैंने इसे लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और इसमें मैंने ये कटा हुआ लहसुन इस तरीके से लिया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज। सबसे पहले हम इसको लहसुन को डाल देंगे फिर हम इसमें अदरक डालेंगे। सभी चीज़ें मैंने लंबाई में काटी हुई है क्योंकि मैंने भिंडी भी लंबाई में काटी हुई है इसलिए इसी तरीके से मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची, प्याज भी ऐसे ही काटा हुआ है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग और इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा हल्का सा पकाना है, इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और इसको भी हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसको पका लेंगे क्योंकि भिंडी में प्याज थोड़ा क्रंची नस लिए होता है तभी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बस ट्रांसलूसेंट होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए ऐसा हो जाएगा बस। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। इसमें ऐड करेंगे हम मसाले, हमें इसके प्याज के हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। भिंडी में हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, मसाले डाल चुके हैं,
थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है 1/4 टीस्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इनको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इन्हें भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी। ये पूरी भिंडी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और प्याज और भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। भिंडी हमने 80% पकाई थी, ऑलमोस्ट पकी हुई है, और इसको ढक करके 2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। इसे आप पराठे या रोटी किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।